नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश उपाध्याय है। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी इमेज की एक पीडीएफ बना सकते हो और उनको कहीं पर भी आप सेंड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर आपकी इस टाइप की पीडीएफ भेजी जा रही हैं। जैसे ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये एक कैलेंडर बनाया हुआ है पीडीएफ से। तो आप भी इस टाइप का बना के किसी को भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर या किसी और माध्यम से। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे बनाते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। बहुत सारे इसमें कन्वर्टर हैं, तो मैं ऊपर से थर्ड वाला लेता हूँ, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसका जो आइकॉन है वो देखिए, इस टाइप से देखेगा आपको, ये देखिए पीडीएफ। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, इसको आप लीजिए और जो भी आप फ़ोटो यहाँ से लेने चाहते हैं वो ले लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ आप सेलेक्ट करते जाइए सिंपल टैब रख के, एक उंगली टच करनी है आपको सिंपल यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। तो आप यहाँ जितने चाहो उतने ले सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे ओके करता हूँ, ये देखिए बन गई। अब इसके बाद में पीडीएफ है, मुझे क्लिक करना है ऊपर, देखिए ये देखिए। अगर आपको यहाँ पर साइज चेंज करना है, इसकी विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा यहाँ से भी ओरिजिनल फ़ोटो साइज लेना चाहते हो तो यहाँ से कर दो। अब देखिए, ओपन पीडीएफ करें हम। ये देखिए आपकी पीडीएफ तैयार है। आप वहाँ पर आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ इसके अलावा, ये जो ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, इसमें आप अपनी पुरानी पीडीएफ देख सकते हो। जैसे इसको ओपन कीजिए, ये देखिए, अब हम इसे किसी को भेज भी सकते हैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करके, और व्हाट्सएप पे हम किसी को भेज सकते हैं। देखिए, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब मी प्लीज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।